Hello everyone, this is Professor Pavan Shonkar and I welcome you in the 31st lecture of Mechanics of Material. And today we are discussing numerical number 8. So here we go. Draw SFD and BMD for overhanging beam carrying UDL of 2 kN per meter over entire length and point load of 2 kN as shown in figure. Locate point of contraflexure. So जो beam दिया है वो overhanging beam है. तो सबसे पहले हम गिवन बीम के लिए FBD ड्रॉ करते हैं. ये हो गया आपका बीम. दीज आर दी पॉइंट ए, देन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. ओके, ये पॉइंट सपोर्टेड है तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स रहेगा ऐसा. तो ये हो गया आपका आर ए. आर बी पे भी सपोर्ट है इसलिए यहाँ पे रहेगा आपका सपोर्ट रिएक्शन आर बी. और सी पे पॉइंट लोड है जिसकी वैल्यू है 2 kN. ओके, कितना है 2 kN. कंप्लीट यूडीएल दिख रहा है आपको यहाँ पे 2 kN पर मीटर का ओवर द एंटायर लेंथ. तो यूडीएल की लेंथ कितनी है 4 + 2 = 6. ओके, सो यूडीएल का कन्वर्शन क्या हो जाएगा पॉइंट लोड में, इंटेंसिटी इंटू लेंथ. सो 2 इंटू कितना हो जाएगा, कंप्लीट लेंथ है 6, तो 2 × 6 हो जाएगा 12 और वो ऐड करेगा सेंटर पे. तो ये हो जाएगा आपका 12 kN. सेंटर मतलब टोटल लेंथ है आपका 4 + 6, दैट इज 4 + 2, दैट इज 6 मीटर. तो किसी भी एंड से 3 मीटर मतलब सेंटर पे वो ऐड करेगा. ये 3 मीटर है और बचा हुआ भी 3 मीटर है और ये लेंथ दी है 2 मीटर आर बी की सी पॉइंट से. तो ये यहाँ से मतलब 12 का लोड जो है वो सी से 3 मीटर पे है. ये 2 है इसलिए फिर ये कितना रहेगा 1 मीटर. ये हमारा इंटरप्रिटेशन है जो हमने ऊपर गिवन डायमेंशन से क्लियर किया है. ओके, नाउ ओवरहैंगिंग बीम है, दो सपोर्ट है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, रिएक्शन फोर्सेस निकालेंगे. सो आर ए और आर बी कैलकुलेट करेंगे. तो एज यूजुअल हम मोमेंट लेके ए पॉइंट पे, सो टेकिंग मोमेंट एट ए और इक्वेट करेंगे उसको जीरो के साथ में. ओके, तो ए पे लेंगे मोमेंट, जितने भी फोर्सेस हैं जस्ट लाइक सी पे है, बी पे है, देन ये एक पॉइंट हुआ 12 kN वाला, ये 12 kN है. जितने फोर्सेस है सबके सब ए पॉइंट पे घुमाने हैं. सी पे कितना है 2 kN, सो 2 × कौन सा, ये वाला फोर्स. ये फोर्स आपको कंप्लीट लेंथ से घूमेगा ए पॉइंट पे. कंप्लीट लेंथ क्या हो गई अभी 4 + 2 = 6, सो 2 × 6. ओके, ये कैसा घूम रहा है, ये घूमेगा 2 kN का घूमेगा आपका क्लॉकवाइज से घूमेगा, दिख रहा है आपको, ठीक है, क्लॉकवाइज से घूमेगा इसलिए फिर माइनस. उसके बाद में आर बी घूमेगा, आर बी यहाँ पे आर बी आपका फोर्स, आर बी घूमेगा ए पॉइंट पे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. सो आर बी इंटू डिस्टेंस कितना है आर बी का ए पॉइंट से 3 + 1 = 4 मीटर. कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इसलिए प्लस. उसके बाद में क्या घूम रहा है, 12 kN का फोर्स है आपके पास में फिर से. सो 12 × 12, ये फोर्स 12 kN फोर्स कितने डिस्टेंस से घूम रहा है, देखो यहाँ पे ये 3 मीटर है, सो 3 से घूमेगा. और कैसा घूम रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, सो क्लॉकवाइज घूमेगा, सो क्लॉकवाइज इज माइनस इक्वल टू 0. गॉट इट, क्लियर हो गया ये. अब करेंगे कैलकुलेशन. तो यहाँ पे -2 × 6 प्लस आर बी इंटू 4 -12 × 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आर बी निकल जाएगा एलसी पे, तो आर बी आना चाहिए आपका, आर बी आना चाहिए 12 kN. ठीक है, आर बी आ गया आपका 12 kN. देन आर ए के लिए क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे. ऊपर जाने वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस. सो ऊपर जाने वाले फोर्सेस है दो है हमारे पास में, आर ए है आर बी है, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स.
इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। वर्टिकली डाउनवर्ड कितने हैं, एक CPA का 2 है और एक ये 12 किलो न्यूटन है, 2 है, सो 12 प्लस 2 14 किलो न्यूटन। ओके, सो RB की वैल्यू है ऑलरेडी आपके पास में, RB की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो RA मिल जाएगा। सो RA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस RB, RB इज 12, सो ये हो गया आपका 2 किलो न्यूटन। सो आपने RA निकाला और RB निकाला, तो RA कितना आया आपका, RA आया है 2 किलो न्यूटन और RB आया आपका 12 किलो न्यूटन। गॉट इट। चलो आगे क्या है, अब हर पॉइंट पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज निकालेंगे हम। सो लेट अस प्रोसीड। शेयर फोर्स एट हर एक पॉइंट पे निकालना है, आपके पास में कितने पॉइंट है देखो क्वेश्चन में, सी है, बी है और ए है, ये 3 पॉइंट है हमारे पास में। सो शेयर फोर्स एट सी, शेयर फोर्स एट सी, FBD पे देखो ये आपके FBD, CP कितना है 2 किलो न्यूटन, कैसा है वर्टिकली डाउनवर्ड, सो वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन राइट हैंड साइड, सो इट इज पॉजिटिव, सो सी पे फोर्स आएगा आपका 2 किलो न्यूटन पॉजिटिव। ठीक है, देखो क्वेश्चन हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ऐसा सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड में देखेंगे सो वर्टिकली डाउनवर्ड है, सो सी पे आ गया 2 किलो न्यूटन। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी, सो बी से पहले देखो अभी, अब ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे कंटिन्यूसली यूडीएल भी आ रहा है, यहाँ पे आगे भी जा रहा है, तो बी से पहले तक और बाद में एग्जैक्टली बी पे भी फोर्स है 12 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा पॉइंट दिखे कि जहाँ पे यूडीएल भी है और पॉइंट लोड भी है, पॉइंट लोड दिख रहा है आपको 12 किलो न्यूटन का और यूडीएल भी है, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि बी पॉइंट तक, मतलब बी पॉइंट से पहले तक कितना और एग्जैक्टली बी पॉइंट कवर होने के बाद में, मतलब वो पॉइंट लोड भी हमने उसमें इंक्लूड किया, इस हिसाब से हम शेयर फोर्स निकालेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बिफोर पॉइंट बी, तो बी से पहले तक, मतलब आपको बी पे जो पॉइंट लोड है वो नहीं लेना है, इसके पहले का यूडीएल तक लेना है आपको। सो बी से पहले तक क्या क्या आ रहा है आपके पास में, 2 किलो न्यूटन ये वाला फोर्स, 2 प्लस यूडीएल क्या है, यूडीएल की इंटेंसिटी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर और इसका डिस्टेंस कितना है 2, सो यूडीएल का 2 उसका डिस्टेंस कितना है 2, समझ में आ गया, सो 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 दैट इज 6 किलो न्यूटन। समझ में आया क्या, मैंने ये बिफोर क्यों लिया, बी पॉइंट ऐसा है जहाँ पे यूडीएल भी है और पॉइंट लोड भी है, जहाँ पे भी ऐसे केस आपको दिखे, तो बी से पहले तक यूडीएल की वजह से कितना लोड हुआ और सडनली बी पे फिर से आप ये 12 किलो न्यूटन भी उसमें ऐड हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख दिया फिर बाद में आफ्टर बी, तो आफ्टर बी क्या हो जाएगा, पहले का जितना फोर्स है बिफोर बी तक की कितना था 6, हमने कैलकुलेट किया ये 6 और बाद में ये 12 किलो न्यूटन, ये कैसा है वर्टिकली अपवर्ड है तो माइनस हो जाएगा, सो 6 माइनस ये 12 हो जाएगा इक्वल टू 6 माइनस 12 माइनस 6 किलो न्यूटन। समझ में आया क्या, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका ए, फिर से ए पे देखो, ए पे क्या हो रहा है, ए पे यूडीएल भी है और पॉइंट लोड भी है, तो फिर से वैसे करेंगे हम, बिफोर ए, तो बिफोर ए का मतलब क्या है कि ए के पहले तक, मतलब यहाँ पे आपको पॉइंट लोड कंसिडर नहीं करना है, उसके आफ्टर के आफ्टर में कंसिडर करेंगे हम, तो ए के पहले तक क्या है यूडीएल है और पॉइंट लोड है, तो ए के पहले तक क्या क्या आया था, देखो सी का 2 किलो न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके बाद में पूरा का पूरा यूडीएल, यूडीएल भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, तो प्लस यूडीएल की इंटेंसिटी 2, यूडीएल का स्पैन कितना है, अब टोटल स्पैन लेंगे क्योंकि हम ए पे निकाल रहे हैं, तो 2 इंटू स्पैन कितना है 4 प्लस 2 6, ठीक है ये हो गया आपका यूडीएल। बी का जो फोर्स है 12 किलो न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड है तो माइनस,
ठीक है, ये हो गया आपका बिफोर ए। तो बिफोर ए तक कितना आ रहा है हम, ये आएगा आपका 2 किलो न्यूटन। देख लो यहाँ पे 2 + 6 × 2 = 12 - 12, सो 12 12 गेट कैंसल, ओनली 2 बच रहा है यहाँ पे। और आफ्टर आफ्टर ए क्या रहेगा, बिफोर कितना था 2 और आफ्टर कितना हो गया, ये जो पॉइंट लोड है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, बॉडी के लिए अपवर्ड है तो वो माइनस लेंगे हम, सो 2 - 2 = 0, 0 किलो न्यूटन। समझ में आया है बिफोर आफ्टर वाला कंसेप्ट, जहाँ पे यूडीएल है और पॉइंट लोड भी है, ऐसे साइमल्टेनियसली दोनों की दोनों चीज़ें उस पर ऐड हो रही है, यूडीएल भी है और पॉइंट लोड भी है, उसी केस में हम बिफोर और आफ्टर वाला पार्ट लेते हैं। इसको बुक में आप अगर देखोगे तो लिखा होगा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड तक और जैसे ही वो पास हो गया तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी, ठीक है। सो बिफोर आफ्टर क्लियर हो जाएगा, तो बी के पहले और आफ्टर भी मतलब जस्ट बी पे, तो बी के पहले तक, बी पे अगर पॉइंट लोड है यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है बी, तो बिफोर बिफोर बी मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 ये वाला और पूरा का पूरा यूडीएल भी, आफ्टर में भी मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 भी, ये यूडीएल भी और उसका ऊपर जो पॉइंट लोड है वो भी 12 वाला, ये पार्ट तो अलग अलग इसलिए निकालना है क्योंकि सडनली वहाँ पे चेंज आएगा 12 किलो न्यूटन का, ठीक है, इसलिए। सो लेट अस ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम, यहाँ पे हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये आपका पॉइंट सी, ये बी और ये ए, वी आर ड्रॉइंग SFD शियर फोर्स डायग्राम। सो सी पे कितना है शियर फोर्स, हमने कैलकुलेट किया था 2 किलो न्यूटन, पॉजिटिव है, हम गए ऊपर 2, ओके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 किलो न्यूटन, 2 तक गए हम। बी पे कितना है, अब बी पे हमने दो पॉइंट निकाले, देख लो यहाँ पे एक बार, बी पे हमने दो पॉइंट निकाले बिफोर बी एंड आफ्टर बी, सो बिफोर बी इज 6 एंड आफ्टर बी इज -6, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे हमने क्यों निकाला, तो बिफोर बी मतलब यूडीएल की वजह से, यहाँ पे जैसा देखो सी से बी तक अब क्या है, यूडीएल है तो, और यूडीएल है इसलिए फिर हम जाएंगे इंक्लाइंड लाइन लाइक दिस, ओके बिफोर बी हम गए थे यहाँ पे कितना 6 किलो न्यूटन, आफ्टर बी तो सडनली यहाँ पे ये जो आर बी एक्ट हो रहा है 12 किलो न्यूटन का, उसके वजह से फाइनल शियर फोर्स की वैल्यू -6 हो गई मतलब आफ्टर बी, तो इसी पॉइंट पे आपको -6 तक के जाना है, तो ये हो गया आपका -6 वर्टिकली स्ट्रेट 6 किलो न्यूटन, ओके तो ये हो गया आपका बिफोर बी और ये हो गया आफ्टर बी। तो बी पे ही एक्चुअली क्या हुआ कि यूडीएल की वजह से हम 2 से 6 तक गए पॉजिटिवली, सडनली ये बी पे पॉइंट लोड एक्ट हुआ 12 किलो न्यूटन का, इसलिए फाइनल शेयर फोर्स यहाँ पे सडनली 6 किलो न्यूटन हो गया, वो भी माइनस सिक्स न्यूटन हो गया, ओके इसलिए फिर यहाँ पे हमने बिफोर और आफ्टर ड्रॉ किया। उसके बाद में फिर से हम ए पे आएंगे, अब ए पे देखो, ए पे भी हमने 2 पॉइंट ड्रॉ किए हैं, ए पे पहले कितना है 2 और बाद में कितना है 0, ओके चलो इसके हिसाब से ड्रॉ करते हैं हम, ए पे बिफोर है 2, सो 2 है मैं सपोज यहाँ पे हमने मार्क किया और बाद में है 0, सो इस पॉइंट से बी टू ए जाना है, देखो बी टू ए क्या है यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में यूडीएल है, यूडीएल है मतलब यहाँ पे इंक्लाइन जाना है, तो यहाँ पे हम इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे, इंक्लाइन लाइन वैल्यू कितनी है 2 किलो न्यूटन और बाद में आफ्टर आफ्टर ए क्या है 0, ये हो गया आपका 0, सो दिस इज योर पॉजिटिव ग्राफ एंड ओनली दिस पोर्शन इज निगेटिव ग्राफ, और ये आपका पॉजिटिव ग्राफ है सॉरी। तो ये फिर से एक पॉइंट मिला हमें जहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर रहे थे SFD शियर फोर्स डायग्राम, तो ये पॉइंट हमको मिला विच इज शोइंग शियर फोर्स वैल्यू एज 0,
सो सपोज ए बी सी हो गया डी, मैं इसको यहाँ पे डी लिख देता हूँ, तो एक डी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे शेयर फोर्स वैल्यू जीरो हो गई। तो सपोज मैं ये जो डी पॉइंट है, मतलब सपोज ये यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट डी है यहाँ पे, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये ए पॉइंट से एक्स इतने डिस्टेंस पे, हमें निकालना पड़ेगा जीरो शेयर फोर्स पॉइंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, नाउ एट पॉइंट डी शेयर फोर्स इक्वल टू जीरो, शेयर फोर्स जीरो हो गया पे, तो यहाँ पे शेयर फोर्स का इक्वेशन बनाएंगे हम, ठीक है। अब देखो डी पे शेयर फोर्स निकालना है, मतलब डी तक शेयर फोर्स निकालना है, फिर से वही हो सकता है, मतलब डी के पहले तक ये सी वाला पूरा का पूरा यू डी एल, ये आर बी, ये सॉल्व करो, मतलब क्या सॉल्व करो आप, राइट हैंड साइड सॉल्व करो या फिर लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ईजी पार्ट है। उसमें क्या क्या आएगा, सिर्फ ये आर ए आएगा और इतना यू डी एल आएगा। डी पॉइंट तक शेयर फोर्स वैल्यू कितनी है, तो आर ए और आर बी, आर ए कितना था 2 किलो न्यूटन, तो डी पॉइंट तक शेयर फोर्स देखो ये आर ए आ रहा है एक 2 ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हम ये यहाँ पे हमें शेयर फोर्स निकालना है, तो शेयर फोर्स यहाँ से यहाँ तक ए से डी तक, तो ए पे सबसे पहले 2 किलो न्यूटन, हम क्या चेक करें अभी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में वर्टिकल फोर्स पॉजिटिव या फिर राइट हैंड साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करें वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है आर ए तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बाद में इतना यू डी एल है, इतना बस इतना यू डी एल है, इंटेंसिटी क्या है ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर की, और डिस्टेंस कितना है यू डी एल का, हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ एक्स, सो शेयर फोर्स उतना यू डी एल का कितना बना, वो बना 2 इंटू एक्स लोड इंटू लेंथ, इंटेंसिटी इंटू लेंथ, ठीक है, और वर्टिकली डाउनवर्ड है UDL का, अगर पॉइंट लोड कन्वर्ट किया तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में तो वर्टिकली अपवर्ड चाहिए, इसलिए ये माइनस इक्वल टू शेयर फोर्स कितना है वहाँ पे ऑलरेडी जीरो है ना, यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो है इसलिए फिर यहाँ पे इक्वेशन बनाया हमने, तो 2 माइनस 2x इक्वल टू जीरो, इसलिए फिर 2 इक्वल टू 2x, हैंस x इक्वल टू 1 मीटर, तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, x कितना है 1 मीटर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर। ओके, सो डी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, 1 मीटर पे है, चलो। और हमें ये भी पता है कि जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो रहेगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी हम निकालेंगे, जैसे हमने इससे पहले भी निकाला, स्पेशली क्वेश्चन में पूछेंगे भी कि कैलकुलेट दी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर गिवन बीम। नाउ शेयर फोर्स का कैलकुलेशन हो गया, जीरो शेयर फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, जीरो शेयर फोर्स का लोकेशन कि वो पॉइंट कहाँ पे, तो पॉइंट डी है और वो ए पॉइंट से 1 मीटर इतने डिस्टेंस पे है। नाउ कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, नाउ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते अभी सी पे, चलो अभी ये बीम कौन सा है, ओवरहैंगिंग बीम है, ओवरहैंगिंग बीम में सी पॉइंट क्या है, फ्री एंड विच इज बिहेविंग एज अ फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम, सो बेंडिंग मोमेंट एट सी विल बी जीरो। ओके, नाउ इसके बाद में ए पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो आएगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है लास्ट एंड, ठीक है, तो बाद में देखेंगे उसको। सी पॉइंट पे हो गया जीरो, बी पॉइंट पे चेक करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी कैलकुलेट करो, ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ पे घुमाना है, तो 2 किलो न्यूटन कितने से घूमेगा, 2 से घूमेगा, सो 2 घूमेगा 2 से, कैसा घूम रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए माइनस। उसके बाद में एक इतना यूडीएल है, इतना यूडीएल यहाँ पे घुमाना है आपको, तो यूडीएल है इंटेंसिटी 2, डिस्टेंस कितना है उतने यूडीएल का 2 मीटर है, तो लोड इंटू इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, और वो कहाँ पे, अगर उसका पॉइंट लोड हमने कन्वर्ट किया तो वो कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर पे एक्ट करेगा, तो बी पे घुमाना है, ये डिस्टेंस कितना हो फिर सेंटर से, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया अगर कंप्लीट 2 है तो ये हो गया आपका 1 मीटर, सो 2 इंटू 2 इंटू 1। अब बताओ ये पॉइंट लोड कैसे घूमेगा,
इतना UDL, ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, इसलिए इसको कर दिया हमने माइनस। समझ में आ गया? तो बेंडिंग मोमेंट एट बी हमने कैलकुलेट किया, एक पॉइंट लोड घुमा दिया हमने 2 का 2 से, और UDL घुमाया हमने 2 × 2 बराबर है, और डिस्टेंस कितना है 1। तो यहाँ पे निकल जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट बी माइनस 2 × 2 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8, गॉट इट? माइनस 8 आना चाहिए, लेट मी चेक इट वंस, यस माइनस 8 किलो न्यूटन मीटर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, बेंडिंग मोमेंट एट बी हो गया, उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट डी भी निकाल लेंगे सीक्वेंस में। बेंडिंग मोमेंट एट डी, देखो बी पे निकाल लिया हमने, यहाँ पे अब यहाँ पे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट डी, डी पॉइंट है यहाँ पे, ओके फिर से यहाँ से स्टार्ट करो। देखो बी पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट, आप नो इशू आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हो, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन छोटा है इधर से कैलकुलेशन बड़ा है, ठीक है, लेकिन जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन मैं इधर से सॉल्व कर रहा हूँ उसको। बेंडिंग मोमेंट एट डी, सबसे पहले 2 घूमेगा, पॉइंट लोड घूमेगा 2 वाला, ये लास्ट वाला, ये घूमेगा डी पॉइंट तक, तो डिस्टेंस चेक करो। देखो एक्स कितना है हमारा 1, टोटल कितना था 4, तो ये हो गया आपका सबसे पहले तो 3 मीटर, कितना डिस्टेंस ये, ओके ये 3 है और ये 2 है, 5 हो गया, सो 2 ये 4 डी पॉइंट तक 5 इतने डिस्टेंस से घूमेगा, 5 मीटर से घूम रहा है। समझ में आ गया कैसे घूम रहा है? वो लास्ट वाला जो फोर्स है 2 किलो न्यूटन का, वो डी पॉइंट पे कैसे घूम रहा है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए माइनस, ओके गॉट इट। उसके बाद में उतना यूडीएल है, मतलब डी पे निकालना है ना हमें, यहाँ पे निकालना है डी पे, तो पूरा का पूरा यूडीएल है, तो यूडीएल है 2, लेंथ कितनी है उतनी यूडीएल तक, सी टू डी कितनी लेंथ है वो है 3 प्लस 2 5, सो लोड इंटेंसिटी इंटू लेंथ, और UDL जो इतना आपने कंसिडर किया है कितना, यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ तक, इतना UDL का अगर पॉइंट लोड हम कन्वर्ट करते हैं तो कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर पे एक्ट करेगा, सेंटर कंप्लीट डिस्टेंस का सेंटर मतलब क्या, कंप्लीट डिस्टेंस है 5, उसका सेंटर हो गया 2.5, ठीक है, और इसका साइन कन्वेंशन UDL है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड ये जो UDL का पॉइंट लोड रहेगा, क्वेश्चन में देखो ये जो पॉइंट लोड है क्वेश्चन में, अगर ये घुमाएंगे हम डी पे तो कैसा घूम रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स घूमेगा, तो घूमेगा क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस, ठीक है, हो गया डी पॉइंट तक सब कुछ हो गया, एक बचा हमारा आरबी बचा, ये फोर्स बचा भी आरबी, क्योंकि हम डी पे ले रहे हैं, तो डी के पहले जितनी भी फोर्सेस है सबके सब आपको घुमाने हैं, तो आरबी घूमेगा 12 × कितना डिस्टेंस है बी से डी तक, चेक करो बी से डी तक कितना है 3 मीटर, कैसा घूमेगा आरबी, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सो ये हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा माइनस 2 × 5 माइनस 2 × 5 × 2.5 प्लस 12 × 3, बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट इज 1 kN, 1 kN मीटर, ये कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, माइनस 2.5 माइनस 10 माइनस 10 इंटू 2.5 25, सो माइनस 25 माइनस 10 माइनस 35 प्लस 36 बराबर है 1 kN पॉजिटिव। देखो डी पे हो गया आपका, लास्ट पॉइंट है आपका ए, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आना चाहिए वैसे, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम, सॉरी ए बीम पॉइंट ए क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, देखो बी पॉइंट ये आपका जीरो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके आगे भी बीम है, सी पे क्यों जीरो हो गया था, क्योंकि वो फ्री एंड था, ये लास्ट एंड है बीम का और ये सिंपली सपोर्टेड है, इसलिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली जीरो आएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लो,
मतलब ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, फिर पूरा का पूरा यूडीएल इंटू उसका डिस्टेंस इंटू उसका सेंटर डिस्टेंस, उसके बाद में ये आरबी घूमेगा, आरबी इंटू इट्स डिस्टेंस, ये पूरा कैलकुलेशन करके देखो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो आएगा। ठीक है, तो हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो बीएमडी पॉइंट ए, देन ये डी, ये आपका बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ओके, सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है। ओके, बी पॉइंट पे देखो माइनस एट, बी पॉइंट पे कितना है, माइनस एट है। यहाँ पे सपोज माइनस के लिए मैं नीचे गया, ऊपर देखो सी टू बी ग्राफ कैसा है, शियर फोर्स में इंक्लाइन लाइन, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा रहेगा, कर्व लाइन। ओके, तो यहाँ पे 8 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट है इसलिए। उसके बाद में डी पे आना है हमें, डी पे कितना है बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला, 1 किलो न्यूटन मीटर, 1 है पॉजिटिव वैल्यू है, ये ऊपर ऊपर है। अब देखो बी टू डी कैसे जाना है, यहाँ पे इंक्लाइन लाइन है तो यहाँ पे क्या होगा, कर्व होगा, तो यहाँ पे हम कर्व ड्रॉ करेंगे। नहीं लग रहा है कर्व, एक मिनट मैं इरेज करके, इट शुड बी सीम टू बी लाइक कर्व। तो यहाँ पे हमें कर्व ड्रॉ करना है, एक स्लाइड कर्व। ओके, दिस इज नॉट इंक्लाइन लाइन, दिस इज अ कर्व एंड वैल्यू इज 1 किलो न्यूटन मीटर। नाउ ए पी कितना है, वैल्यू जीरो है। देखो डी टू ए ग्राफ कैसा है, इंक्लाइन है, तो यहाँ पे कर्व रहेगा। ओके, सो ये हो गया आपका पॉजिटिव ग्राफ, ये हो गया आपका निगेटिव ग्राफ। आपने ये आपका डी पॉइंट था। ठीक है, नाउ मैं कलर चेंज करके शो कर रहा हूँ थोड़ा सा पार्ट। नाउ चेक करो, ये जो पॉइंट है अभी हम कौन से डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये जो पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है, सपोज ई पॉइंट, एक ई पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट वैल्यू जीरो हो गई है, तो आपको वो लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, ठीक है, सपोज उसको कैसे लोकेट करना पड़ेगा आपको, तो ई पॉइंट कहाँ पे, डी और बी के बीच में, ये आपका डी पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो उसको बी पॉइंट से लोकेट करते क्योंकि बी ये सिंपली सपोर्टेड पॉइंट है, तो बी से मैं डिस्टेंस दे देता हूँ उसको, सपोज एक्स। जब भी आपको उसको लोकेट करना है, उसको रेफरेंस देना है, तो आपको फिक्स एंड से देना है, जैसे डी से नहीं दूंगा मैं, क्यों, क्योंकि डी क्या है, एक जीरो शियर फोर्स पॉइंट है, कोई सपोर्टेड पॉइंट नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर आपको सीधा सीधा ए से देना पड़ेगा, सो ए से इतना डिस्टेंस देना पड़ेगा, सो बेटर वे मैंने बी से दे दिया। ठीक है, अब आपको ये ई पॉइंट लोकेट करना है, तो लोकेट करने के लिए किस डायग्राम में मिला हमें ये पॉइंट, हमें मिला बीएमडी में, मिला बेंडिंग मोमेंट में, तो ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालो। सो बेंडिंग मोमेंट एट ई, ऑलरेडी जीरो है हमें पता है, डायग्राम ही दिख रहा है, बस उसको वहाँ पे निकालना है, तो ई मैं उसको ऊपर क्वेश्चन में लोकेट करता हूँ, सपोज यहाँ पे या फिर यहाँ पे, सपोज यहाँ पे ई पॉइंट है। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फिर से बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स ई पे घुमाओ, 2 इंटू डिस्टेंस हमने इतना लिया सपोज एक्स, ये डिस्टेंस हमें पता है, तो 2 किलो न्यूटन कितने से घूमेगा, 2 किलो न्यूटन घूमेगा ये 2 ये वाला और प्लस एक्स, सो 2 प्लस एक्स इतने डिस्टेंस से घूमेगा 2 किलो न्यूटन। कैसे घूमेगा, ये घूमेगा वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज इसलिए माइनस है ना, राइट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहे हैं हम। चलो ई तक ये पॉइंट लोड हो गया, उसके बाद में पूरा का पूरा नहीं, उसके बाद में एक ये आरबी भी तो है, तो चलो पहले आरबी को घुमा लेंगे हम, आरबी मतलब 12 इंटू आरबी है यहाँ पे, ठीक है 12 किलो न्यूटन और डिस्टेंस है सीधा x, सो 12 इंटू एक्स
कैसे घूमेगा, आर बी वर्टिकली अपवर्ड है, यहाँ पे यहाँ तक घुमाना है हमें। सो ये कैसे घूमेगा, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस। ठीक है, तो ई पॉइंट तक क्या क्या था, ई पॉइंट तक एक पॉइंट लोड था 2 kN का, वो हमने घुमा दिया। रिएक्शन फोर्स था आर बी, वो हमने घुमा दिया। अब पूरा का पूरा यूडीएल कितने पॉइंट तक, ई पॉइंट तक। तो यूडीएल क्या है देख लो, यूडीएल, सो यूडीएल की इंटेंसिटी 2 इंटू डिस्टेंस, यूडीएल का डिस्टेंस है यूडीएल का ये एक्स और ये 2, सो 2 प्लस एक्स, ठीक है। यूडीएल की इंटेंसिटी और इसका डिस्टेंस कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर पे एक्ट करेगा ना। जब इतना यूडीएल जो हमने लिया उसका जो पॉइंट लोड कन्वर्ट होगा उसके सेंटर पे एक्ट करेगा, तो सेंटर क्या रहेगा, जो डिस्टेंस लिया हमने 2 प्लस एक्स उसका ही हाफ डिवाइड बाय 2, समझ में आ गया। और ये पॉइंट लोड जो हमने कन्वर्ट किया वो कैसा, वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये हो गया माइनस इक्वल टू 0। समझ में आया कि ये पार्ट आपको क्लियर है। ये लास्ट वाला फोर्स 2 इंटू डिस्टेंस, बाद में ये क्या है रिएक्शन फोर्स आर बी इंटू डिस्टेंस, बाद में ये क्या है यूडीएल इंटेंसिटी। देखो सी से ई तक कंप्लीट यूडीएल की इंटेंसिटी 2 है, उसका डिस्टेंस कितना है 2 प्लस एक्स है, कहाँ पे एक्ट करेगा सेंटर पे, सेंटर कितना 2 प्लस एक्स का सेंटर, सो 2 प्लस एक्स बाय 2 सीधा सीधा, ठीक है। तो कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करो, कैलसी पे इक्वल टू 0 है, तो आपको ये एक्स डिस्टेंस मिल जाएगा। सो एक्स आना चाहिए 2 मीटर, हमने एक्स क्या डिफाइन किया था बी पॉइंट से डिस्टेंस, सो ये बी पॉइंट से जो हमने एक्स लिया था वो डिस्टेंस है 2 मीटर, ओके। तो आपने यहाँ पे क्या लोकेट किया है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर लोकेट किया है, समझ में आ गया, ओके। सो विल स्टॉप हियर।